वेलकम टू KMS Blue चैनल। इस वीडियो में हम लोग और एक न्यू जॉब अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग BIS से डिनोट करते हैं, जो द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे एक रिसेंटली वेरियस पोस्ट रिलीज हुआ है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री का जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड इसके पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट केमिस्ट्री जॉब अपडेट वीडियोस, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो ये जो लिंक है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, इसका एडवर्टाइज नंबर पहले देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरियस पोस्ट है, वेरियस लेवल का सैलरी का पोस्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली केमिस्ट्री का जो जॉब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो टेक्निकल जो असिस्टेंट का पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बी का जो पोस्ट है, यहाँ पे देखो लेवल 6 का इसका सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट का देखो यहाँ पे वैकेंसी है, मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली हम लोग केमिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे 18 टोटल वैकेंसी है डिफरेंट जनरल OBC SC ST फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये इसका वैकेंसी है, 18 वैकेंसी है। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। अगर कोई SC ST रहेगा तो 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, फॉर द केमिकल डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये देखो टेक्निकल असिस्टेंट जो लैब का है, ठीक है ना, टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट लैब का, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे टोटल 18 वैकेंसी है, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, बैचलर्स डिग्री जो BSc इन साइंस विद केमिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट में देखो ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू होगा, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका सिलेबस देखो क्या, यहाँ पे देखो नेम ऑफ द टेस्ट, ठीक है, ये जो टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट का है। तो यहाँ पे वेरियस देखो जनरल रीजनिंग का है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछाएगा, जहाँ का 50 मार्क्स है, 40 मिनट्स, तो ऐसे करके यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, जहाँ पे 2 घंटे मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछाएगा, जहाँ पे 50 मार्क्स रहेगा, ठीक है, एंड क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में पूछाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे वेरियस टेंटेटिव सेंटर है जहाँ पे एग्जाम हो सकता है, ठीक है, ये टेंटेटिव सेंटर दिया हुआ है, वेरियस है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कब अप्लाई करना है, अभी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा देखो, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 19 अप्रैल से, ठीक है, 19 अप्रैल के बाद से स्टार्ट होगा एंड 9 मई तक यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। बहुत ही सिंपल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीडियर है, मैं लिंक दे दूंगा एंड इसको भी थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, ऑलराइट। तो यही इसका बेसिक जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया, बाकी यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, बहुत सारे पेजेस है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द जॉब एप्लीकेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।